बैंक ऑफ बड़ौदा के व्यवसाय की समीक्षा बैठक सोमवार को क्षेत्रीय कार्यालय में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रामजस यादव महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख लखनऊ अंचल ने की। बैठक में क्षेत्रीय प्रमुख बसंत सिंह चौधरी, उप क्षेत्रीय प्रमुख केसी शुक्ल तथा क्षेत्र की 27 शाखाओं ने भाग लिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने शाखाओं द्वारा अभी तक किए गए व्यवसाय की समीक्षा की तथा वित्तीय वर्ष 18-19 के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए आवश्यक सुझाव व निर्देश दिए। डॉक्टर यादव ने कृषकों की आय दोगुना करने एवं डेयरी क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास करने के लिए कहा। डॉक्टर यादव ने कहा कि बैंक ग्राहकों एवं समाज के प्रति कर्तव्यों के लिए सभी प्रबंधकों एवं अधिकारियों को जागरूक किया और बताया कि उत्कृष्ट सेवा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख रामजस यादव ने कहा। तारामंडल है, तारामंडल यहाँ है जी, और इधर से लास्ट में क्या है, तारामंडल, वो उधर वाला तो कुशीनगर में, कुशीनगर का बुद्ध का। हमारे बीच हमारे इस अंचल के मुखिया महाप्रबंधक पधारे हुए हैं एक व्यवसायिक समीक्षा के लिए। वह किसी परिचय के मोहताज नहीं, परिचय उनके लिए मोहताज है। फिलॉसफी पे वो विश्वास रखते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पत्तियों की तरह। कौन कहता है कि आसमां में नहीं होगा सुराग, कौन कहता है कि आसमां में नहीं होगा सुराग, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कर्मयोगी जिन्होंने डिग्रियां जो तरसती है कि मैं भी इनके साथ जुड़ जाऊं, ICWA कंपनी सेक्रेटरीशिप, MBA, CAIB गोल्ड मेडलिस्ट, राष्ट्रपति पुरस्कार और साहब का एक अप्रोच पेपर आज भी मेरे पास है जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रथम पुरस्कार दिया था, MSME लेंडिंग अप्रोच। मेरी मेमोरी दुरुस्त है तो 2011-12 के आसपास की बात है। तो ऐसे मूर्धन सरस्वती पुत्र श्री रामजस यादव जी का हम भारतीय परंपरा के अनुसार एक स्वागत करना चाहते हैं। से समाहित है जिसकी 89 शाखाएं और एक ऑफिस, रीजनल ऑफिस है, तो 9 और इधर 90 की शाखाएं हैं, जिसमें हमारे पास एक लॉजिस्टिक अम्बेडकर नगर है जिसकी 42 शाखाएं हैं और बिजनेस शेयर भी हमारा 46% के आसपास उनका है। आज हम जो व्यावसायिक समीक्षा करेंगे और जो हमारे इम्पोर्टेंट जो ब्रांच मैनेजर हैं, जो 70-80% से ज़्यादा बिजनेस हमारे इस रीजन का रखते हैं, उनके साथ समीक्षा करेंगे कि वो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दें, ताकि जो हमारे मिशन है नरेंद्र मोदी जी का 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, उसको हम प्राप्त कर सकें। और गोरखपुर रीजन हमारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसमें 89 ब्रांचेज है, 89 ब्रांचेज हैं और सभी ब्रांचेज अग्रिम में बेहद बेहतरीन कार्य कर रही हैं। ODOP के अंदर भी हमारी शाखाओं ने बहुत ज़ोर शोर से भाग लिया है और जो अभी MSME स्पोर्ट आउटरीच का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें भी हमारा रीजन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और रीजन ने अपने एडवांसेज को लगभग लक्ष्य जो निर्धारित हैं उसको पूरा करने के लिए आसपास ही हैं हम, तो बहुत बढ़िया समीक्षा और होगी। तो और हम शाखा प्रबंधक को कहेंगे कि जो भी गोरखपुर में नई एक्टिविटीज़ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जैसे होटल के भी आ रहे हैं, कुशीनगर में एयरपोर्ट बन रहा है, तो इस तरह के निवेशों में हम ज़्यादा ध्यान दें और हम सरकार की योजनाओं में भागीदार बने। तो देना बैंक और विजय बैंक से मर्ज हुआ है, इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे हमारे बैंक की नेटवर्क बढ़ेगी और चूंकि ये तीन बैंक ऐसे हैं कि एक तरह से संगम है, तो संगम किस तरह का बड़ा पवित्र होता है, इसी तरह से हम मानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा बड़ा है, उसके अंदर छोटे बैंकों का मर्जर सरकार का निर्णय बहुत बेहतरीन है और इससे गोरखपुर में हमारी शाखाएं बढ़कर 100 से ऊपर हो जाएगी, तो बहुत अच्छा काम इसमें होगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का तो नाम है, इसलिए जहाँ उनका व्यवसाय कम है वहाँ पर व्यवसाय उनका भी बढ़ेगा।